बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ मैं आपके लिए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स नाइन्थ और टेंथ क्लासेस की वीडियोस लेकर आता हूं। अहम लेक्चर्स की वीडियो होती हैं। आज फिज़िक्स नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से एक नहायत ही अहम टॉपिक वेरी इम्पॉर्टेंट पास्कल्स ला की वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें। पहली बात तो चैनल की सब्सक्रिप्शन पर है। अगर आज की बनाई हुई ड्राइंग आपको पसंद लगे जो कि पास्कल्स लॉ ऑफ एप्लीकेशन में है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और दोस्तों को शेयर भी किया करें। दूसरी बात, हुवाज पास्कल ला तो हमने उसका एक्सप्लेन करना ही करना है, बट देयर इज़ नथिंग इन द बुक अबाउट पास्कल। तो दो तीन लाइनों में बताता चलूं, इसका जो मुकम्मल नाम था पास्कल था वो था ब्लेब्स पास्कल। ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, वो फ्रांसीसी था। बॉर्न इन जून 1623। तो फ्रांस में ही 19 जून 1623 में पैदा हुआ और उसकी डेथ भी फ्रांस में ही हुई। बहुत कम उम्र पाई लेकिन बहुत कुछ दिया। उसकी डेथ 19 अगस्त 1662 है, यानी ओनली 39 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, फिलोसफर, इन्वेंटर एंड राइटर। वो एक बहुत बड़ा रियाजीदान, माहिर तेबियात। आप कहेंगे ये तेबियात किधर से आ गया, फिजिक्स को उर्दू जबान में तिबियात कहते हैं। फिलॉसफी था, लिखारी था और मौजद था। ये सारे लफ्ज मैंने उर्दू के इस्तेमाल किए, इंग्लिश में मैंने बता दिए। मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, फिलॉसफर, इन्वेंटर एंड राइटर। तो इतनी कम उम्र में बहुत सारा काम। तो जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है, पहला छोटा टॉपिक है और जुड़ा हुआ है दूसरे टॉपिक के साथ, पास्कल्स ला। इसके अंदर हम पास्कल्स के ला की डेफिनेशन करेंगे और एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे पास्कल्स ला क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है, पास्कल्स ला की डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशन, इसके दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन आज किया जाएगा वो है हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम भी इसको बोलते हैं। यानी जो पास्कल्स लॉ है होल्ड्स वेल फॉर गैसेस, लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स। यानी पास्कल का लॉ बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, प्रेशर को एक्सप्लेन करता है जो गैसों में होता है, मायात में होता है और फ्लूइड्स होते हैं जब गैसेस और लिक्विड्स मिक्स हालत में हो, सॉलिड और लिक्विड मिक्स हालत में हो। तो चलते हैं पास्कल्स के ला की डेफिनेशन की तरफ। पास्कल्स ला इज स्टेटेड एज,
प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। चूंकि लिक्विड को किसी कंटेनर में रखना पड़ता है, किसी कंटेनर में वो कहता है लिक्विड ले लिया, और कंटेनर के अंदर लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर लगाया जाता है, एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विद आउट लॉस, ये जो प्रेशर लिक्विड के अंदर जो किसी कंटेनर में था प्रेशर लगाया गया, वो बगैर किसी घाटे या नफे के, यानी बगैर किसी चेंज के लिक्विड के अंदर तमाम पार्ट्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। फिर सुन लें, पास्कल कहता है जब कोई लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर हो, उस कंटेनर में किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के अंदर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो लिक्विड इस प्रेशर को तमाम डायरेक्शंस में हर समत में एक जैसा मुंतकिल कर देता है। डेफिनेशन फिर सुन लें, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, के किसी कंटेनर में लिक्विड जो एनक्लोज्ड हो, डाला गया हो, उसके किसी पॉइंट पर जब प्रेशर लगाया जाए, इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस, बगैर किसी प्रेशर को ज़ाया किए हुए ये मुंतकिल हो जाता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड के तमाम हिस्सों की तरफ इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसको एक्सप्लेन किया जाता है एक एग्जाम्पल से, जिसकी डायग्राम एक ग्लास वेसल है सामने आपको नज़र भी आ रही है, लेकिन उससे पहले और भी बातें सुन लें। एक और एग्जाम्पल देता चलो, ये जो इंजेक्शन वाली सरिंज होती है, इसमें लिक्विड डालें या कोई लिक्विड मेडिसिन डालें, और जब पीछे से प्रेशर लगाया जाता है तो ये प्रेशर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स जितनी भी हैं, जो ब्रेक सिस्टम उनका होता है वो भी लिक्विड ऑयल यानी फ्लूइड पर काम करता है, वो भी इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो अब हम चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ जो यहाँ पास्कल्स लॉ में दे दी गई है। इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्लास वेसल, एक शीशे की वेसल लेके, बर्तन लेके, उसकी के अंदर हमने लिक्विड लेना है। हैविंग होल्स ऑल ओवर इट्स सरफेस, ये जो वेसल है सामने जो नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं कि इसके हर तरफ बारीक छोटे छोटे होल्स हैं। अब क्या करना है, फिल इट विद वाटर, इस वेसल को पानी से भर लेना है। जब पानी से फिल करना है तो जो सुराख किए गए हैं वो बंद होने चाहिए। पुश द पी, अब सुराख खोल दें, पुश द पिस्टन, ऊपर पिस्टन लगाएं और उसको प्रेस करें। द वाटर रशेज आउट ऑफ होल्स, पानी तमाम सुराखों से बाहर आएगा विद द सेम प्रेशर, एक जितने प्रेशर के तहत। इसका मतलब है जो पिस्टन के जरिए प्रेशर अप्लाई किया जी, तो जब पिस्टन के जरिए प्रेशर अप्लाई किया गया है, ये प्रेशर जो है पिस्टन की वजह से तमाम तरफ एक जितना ट्रांसफर होता है, पिस्टन प्रेशर एग्जर्ट करता है लिक्विड पर और लिक्विड इसको इक्वली ट्रांसमिट करता है हर तरफ, और ये जो बारीक सुराख बनाए गए उनसे बाहर लिक्विड की सूरत में खारिज हो जाता है। द वाटर रशेज आउट ऑफ द होल्स, पानी सुराखों से बाहर निकलता है विद सेम प्रेशर, उसी प्रेशर के साथ जितना अप्लाई किया गया था। द फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन एग्जर्ट्स प्रेशर, पिस्टन पर जो हमने फोर्स लगाई वो प्रेशर लगाती है किस पर, वाटर पर। दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड, ये जो प्रेशर है हमारी फोर्स की वजह से है, ये इक्वली ट्रांसमिट हो गया है थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे माया के अंदर, पूरे लिक्विड के अंदर, इन ऑल डायरेक्शन, हर सम्मत के अंदर। तो अब हम पास्कल्स के लॉ की एक एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। जो पहली एप्लीकेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। तो पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम। तो हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम क्या है, ये बड़ी बड़ी रुई की गांठों, कपड़े को और फोम को और रफ पेपर्स को, यानी और कपड़ों को प्रेस करके उनका वॉल्यूम कम करने के लिए, गांठें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये जो स्ट्रा होती है, जिसको पंजाबी में तूड़ी का नाम भी देते हैं,
जिसको उर्दू में गंदम का भूसा कहते हैं, उसको भी प्रेस करके उसके रोल्स और पैक बनाकर उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाता है। तो उसके लिए हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, सबसे पहले तो इसकी डायाग्राम पे गौर कर लें, फिर बाकी। तो डायाग्राम आपको नज़र आ रही है, डायाग्राम के अंदर दो सिलेंडर्स हैं। ये जो पहला सिलेंडर जिस पर स्टिक है, ये इसका साइज़ कम होता है, इसका यानी एरिया जो है, विड्थ जो है कम होती है, और ये सिलेंडर जुड़ा हुआ है एक दूसरे बड़े सिलेंडर के साथ। इस सारे दोनों सिलेंडर्स के अंदर वाटर फिल कर दिया जाता है। तो छोटे सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन नज़र आ रहा है, इस पिस्टन का एरिया कम है, जिस पर फोर्स F1 लगाएंगे तो पिस्टन का एरिया स्मॉल A से जाहिर कर दिया गया है। फिर जो फोर्स लगती है, चूँकि हमें प्रेशर का पता है P इक्वल टू होता है F4A के, और यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे, उस फोर्स को हमने F1 का नाम दे दिया गया है, वो बनेगी F1 इज इक्वल टू P1A। आपकी बुक में P1 और P2 नहीं है, मैंने आसानी की खातर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रेशर को P1 और P2 का नाम दे दिया गया है। तो P1 प्रेशर वो फोर्स F1 की वजह से है जो कि छोटे पिस्टन पर लगाई जा रही है, जिसका एरिया स्मॉल A है, यानी इसका एरिया कम है। अब दूसरी तरफ बड़ा जो सिलेंडर है उसमें भी एक पिस्टन है, ये नज़र आ रहा है। इस पिस्टन का एरिया कैपिटल A से शो किया गया है, और इस पिस्टन पर वो जो फोर्स F1 ट्रांसफ़र हुई है, फिर उससे प्रेशर ट्रांसफ़र हुआ है बड़े पिस्टन पर, उस प्रेशर को P2 से लिखा जाता है। क्योंकि पिस्टन का एरिया कैपिटल A है, इसलिए F2 फोर्स जो आगे ट्रांसफ़र होगी, जितनी पीछे से आई थी, वो है F2 इज़ इक्वल टू P2। वैसे फार्मूला है P2 इज़ इक्वल टू F2 ओवर A, और यहाँ से F2 होगा P2A। ये ऊपर वाली फोर्स है जो कि इस स्केच की वजह से इसको काबू करके रखती है। तो ये पिस्टन, पहला पिस्टन है स्मॉल, उसका एरिया कम है, ये जो दूसरा पिस्टन है उसका एरिया ज़्यादा है, उसको कैपिटल A से जाहिर किया गया है। अब हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम इज़ अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। जी, हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी मशीन है जो पास्कल्स लॉ पर काम करती है। पास्कल लॉ क्या है, कि लिक्विड जो हैं प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट करते हैं जो उन पर लगाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स, इसमें दो सिलेंडर हैं। फिर देख लें, ये छोटा सिलेंडर है जिसका जो है विड्थ कम है, और इस पर F1 फोर्स छोटे पिस्टन जिसका एरिया स्मॉल A से लग रही है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। छोटे पिस्टन का सिलेंडर का क्रॉस एरिया जो है स्मॉल A है, एज शोन इन द फिगर। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल A एंड कैपिटल A। तो छोटे सिलेंडर और छोटे पिस्टन का एरिया स्मॉल A है, जबकि बड़े पिस्टन और बड़े सिलेंडर का जो एरिया है वो कैपिटल A है, बड़ा A है। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड, जी ये नज़र आ रहा है, एक खास कलर के अंदर, इसके अंदर मैंगो कलर कर दिया गया, ऑरेंज कलर मैंने कर दिया है। तो वो चीज़ जिसको हमने प्रेस करना होता है, कंप्रेस करना होता है। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ ए लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। जी ये पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, कैपिटल A है, उस पर इस ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द, ये फोर्स F1 आपको नज़र आ रही है, ये छोटे पिस्टन पर अप्लाई होती है, और यही फोर्स F2 है जो प्रेशर की वजह से बड़े पिस्टन पर ट्रांसफ़र होती है। तो इस सारी डायाग्राम से हम पास्कल्स लॉ के मुताबिक कि वो इक्वली ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं। जी तो डायाग्राम को हमने, सिस्टम को हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब स्मॉल पिस्टन का एरिया स्मॉल A और बड़े पिस्टन का एरिया कैपिटल A है। सामने डायाग्राम फिर बनी हुई नज़र आ रही है आपको। द प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल पिस्टन, यानी जो छोटा पिस्टन है, ये जो प्रेशर इस पर अप्लाई किया जाता है वो, जी तो छोटे पिस्टन पर जो फोर्स F1 लगाई जाती है उसकी वजह से प्रेशर
P1 प्रोड्यूस होता है उस पिस्टन के अंदर। द प्रेशर P1 प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन। यही प्रेशर P1 जो है दूसरे पिस्टन की तरफ यही ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ हमने इस प्रेशर को नाम चेंज करके P2 का नाम दे दिया गया है। और फोर्स क्या है? F2 वो फोर्स है या वो वेट है या वो चीज़ है जिसको हमने कंप्रेस करना है, उसका वॉल्यूम कम करना है। तो ये F2 फोर्स उस चीज़ पर अमल करती है किसके ज़रिए? बड़े पिस्टन के ज़रिए, विच इज़ मच लार्जर देन F1। अब फोर्स F2 क्यों ग्रेटर हो गई? भाई जितना प्रेशर पीछे था P1 उतना ही प्रेशर P2 है, क्योंकि पास्कल भी कहता है कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। लेकिन अब ये जो चीज़ हम प्रेस करने जा रहे हैं, जिसको कंप्रेस करना चाहते हैं, जिसका वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, उस पर फोर्स क्यों ज़्यादा लगेगी? एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि देयर इज चेंज ऑफ एरिया। स्मॉल पिस्टन का एरिया कम था, जो बड़ा पिस्टन है उसका एरिया ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से वही फोर्स वही प्रेशर इंक्रीज कर, प्रेशर तो वही है लेकिन फोर्स इंक्रीज कर गई है ड्यू टू द इंक्रीज इन एरिया। सो हम कह सकते हैं फिर विच इज मच लार्जर देन F1। ये जो फोर्स F2 है F1 से कहीं ज़्यादा हो गया है। प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया, यानी जो प्रेशर छोटे पिस्टन पर पड़ा था उस पर फोर्स F1 थी, तो वो आगे उतना ही ट्रांसफ़र हुआ P2 की शक्ल में, लेकिन फोर्स F2 कहीं ज़्यादा है। तो फोर्स के बढ़ने की एक ही वजह, एक ही फैक्टर नज़र आता है, वो ये है कि सेकंड पिस्टन का एरिया बहुत ज़्यादा है। अब दोनों के प्रेशर हम लिखते हैं, ये बुक में P1 और P2 की शक्ल में नहीं है बल्कि P की शक्ल है। P1 ये वो प्रेशर है जो छोटे पिस्टन की वजह से है और फोर्स F1 की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो असल में F1 इज इक्वल टू P1 ने और F2 इज इक्वल टू P2 ए। वहाँ से P1 हमने फाइंड किया तो F1 ओवर स्मॉल ए। अब बड़े पिस्टन की वजह से जो प्रेशर लगता है वो है P2 है, तो वही P1 नहीं, P2 इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। अब आगे आ जाए, आगे ये बात क्लियर हो जाएगी। बाय पास्कल्स ला जितना प्रेशर फोर्स F1 के जरिए अप्लाई किया गया था वो P1 था, जो प्रेशर आगे फोर्स F2 की सूरत में जाहिर हुआ वो P2 है। चूँकि P1 और P2 इक्वल हैं इसलिए हम इस P1 और P2 को भी इक्वल कर देते हैं। तो P1 की जगह F1 ओवर स्मॉल ए लिख दिया, P2 की जगह F2 ओवर कैपिटल ए लिख दिया। इनको कंपेयर करते हैं, चूँकि हमने F2 फाइंड करना है, ये जो कैपिटल ए है इधर लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F1 इंटू कैपिटल ए ऊपर आ गया स्मॉल ए नीचे, तो F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए जी। तो इस तरह हमारी फोर्स F2 आ जाती है F1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। F1 वो फोर्स थी जो स्मॉल पिस्टन पर अप्लाई की गई, F2 वो फोर्स है जो F1 की वजह से बड़े पिस्टन की वजह से F2 बन गई है। एक एरिया ऑफ कैपिटल पिस्टन यानी जो पिस्टन बड़ा था उसका एरिया और छोटे पिस्टन का एरिया स्मॉल है, सिंस द रेशो, क्योंकि ये जो कैपिटल ए है ये ज़्यादा एरिया है और स्मॉल ए कम एरिया है। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हर सूरत में 1 से ज़्यादा आना है। सपोज हमारा बड़े पिस्टन का एरिया 3 स्क्वायर मीटर है और स्मॉल का 1.5 है, उससे आधा है, तो हमारा आंसर निकलेगा 2। इनकी रेशियो क्या निकलेगी? 2। 2 इज ग्रेटर देन 1। ये वो इनपुट और आउटपुट, तो आउटपुट बढ़ गई है। जब आउटपुट ज़्यादा होगी पक्की बात है वर्किंग भी बढ़ जाएगी। सिंस द रेशियो कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए इज ग्रेटर देन 1, हैंस द आउटपुट फोर्स F2 दैट एक्ट्स ऑन द लार्जर पिस्टन इज ग्रेटर देन द फोर्स F1। लो जी, F2 फोर्स सिर्फ एरिए के बड़ा हो जाने की वजह से बढ़ गई है, एक्टिंग ऑन द स्मॉलर पिस्टन। हाइड्रोलिक सिस्टम्स वर्किंग इन दिस वे आर नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो इस असूल पर
के आउटपुट बढ़ जाती है, फोर्स जो अप्लाई की गई थी उसकी निस्बत फोर्स जो प्रोड्यूस होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स जितने भी हैं उनको हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं। अब इसकी चंद एक एग्जांपल्स सुन ले। हमारी जो ऑटोमोबाइल चीज़ें हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं हैवी वेट वाले, उनके अंदर भी हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम ब्रेक्स लगे होते हैं प्रेशर को ट्रांस, वरना मैकेनिकल ब्रेक हो तो उतना असर नहीं होगा, क्योंकि ये लिक्विड्स पर काम करने वाला हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम ब्रेक होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आगे जब व्हील्स की शाफ्ट्स पर पड़ता है तो बड़ी बड़े मोमेंटम वाली गाड़ियां जो हैं वो भी आसानी से रुक जाती हैं। इसके अलावा ये जो हमारी क्रेन है इसके अंदर भी सारे की सारे देखें कितना वेट उठा लेती है, ये सारा का सारा इसलिए उठा लिया जाता है कि इसके मुख्तलिफ पाइप्स के अंदर लिक्विड फिल किया गया होता है, वो प्रेशर को ट्रांसफ़र करता है और फोर्स को कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए क्रेन बहुत ज़्यादा वेट को उठा भी लेती है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर देती है। इसके अलावा एक और है हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम जी, ये जो वॉशरूम्स होते हैं गाड़ियाँ साफ़ करने वाली, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों को ऊपर उठाया जाता है और नीचे से उनको वॉश किया जाता है। उठाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। तो वो देख ले कितनी हैवी गाड़ी को, कितने ज़्यादा मास और वेट वाली गाड़ी को बड़ी आसानी से ऊपर उठा लेते हैं। वजह यही होती है कि जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए तो ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं, चाहे वो ब्रेक सिस्टम है, लिफ्ट सिस्टम है या प्रेस सिस्टम है, इनको फोर्स मल्टीप्लायर्स का नाम भी देते हैं। चंद एक डायग्राम्स तस्वीरें सामने बनी हुई नज़र आ रही हैं जो कि पास्कल्स लॉ के मुताबिक सब कुछ बता रही हैं कि कैसे प्रेशर ट्रांसफ़र होता है और इक्वली ट्रांसमिटेड होता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।